गोपाल यादव कल अपनी जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया और शक्ति प्रदर्शन के बाद वो दिखाना चाहते थे कि समाजवादी पार्टी ने उनको जिस तरीके से कोई तवज्जो नहीं दी, जिस तरीके से हाशिए पर रखा हुआ है, उससे शिवपाल यादव बहुत ही तिलमिलाए हुए थे। उन्होंने पार्टी बनाई और पार्टी के जरिए अब वो 2019 में चुनाव लड़ने की कवायद में शुरू कर चुके हैं और उन्होंने का शक्ति प्रदर्शन करते हुए उन्होंने क्या बोला है आप खुद सुन लीजिए। और हर आदमी स्वस्थ भी हो, दिमाग से भी स्वस्थ, शरीर से भी स्वस्थ और दिमाग से भी स्वस्थ। कहीं कहीं दिमाग कुछ गड़बड़ हो जाते हैं। तेरे दिल से पास सिंह जाता हूँ। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। यह है ताकत जब मिलती है, सत्ता पाए वो कहावत है, सत्ता पाए कोई मर्द किसे मर्द नहीं आता है, ये है तो आता है, सत्ता पाए मत आ जाता है, अभिमान आता है लोगों को, रावण को भी आया, कंस को भी आया, सब तो, और आज भी हमने देखा है, बहुत कुछ देखा है, दुर्योधन से लेकर के कितने लोगों को आए, तो ना सही हुआ है, फिर हुआ क्या? दम जहां पर दम आता है, अभिमान आता है, नहीं आना चाहिए। तो इसलिए आज हम, मैंने तो कभी पद मांगा नहीं, वैसे तो हमारी राजनीतिक जीवन, मैं तो बहुत छोटा था, नेताजी के साथ शायद हाई स्कूल में होंगे तभी तो उनके साथ लगे थे। नेताजी के साथ बहुत परिवर्तन हुए, उतार चढ़ाव आए, बहुत कुछ देखा है, और मैंने कभी पद नहीं मांगा, और शायद मेरा राजनीति में शुरुआत में मैं तो जानता नहीं था कि मुझे राजनीति में आना भी पड़ेगा। मैं तो सोचता था कि या तो अपना खेती बाड़ी का काम करेंगे या नौकरी चाकरी करेंगे। मेरा अपॉइंटमेंट भी हो गया था, हमारा एक इंटर कॉलेज में बीपीएच करने के बाद अपॉइंटमेंट भी हो गया, एक बैंक में फील्ड अफसर पर भी अपॉइंटमेंट हो गया था, लेकिन आना था राजनीति में, आना था राजनीति, और राजनीति में भी काम तो मैंने 72 से किया है, 72 बहुत छोटे थे तब, पर्चियां कटा करते थे, पोस्टर लगाया जाते थे, साइकिल पर हमारे पैर भी नहीं आते थे, तो काम करता था, नेताजी के साथ करता था, नेताजी की चिट्ठियां बांटता था, तब तो चिट्ठी का जमाना था, आज व्हाट्सएप का जमाना था नहीं, फेसबुक का जमाना था नहीं, साइकिल तो बड़ी मुश्किल से मिलती थी, साइकिल मिल जाती थी तो तब तो ये लगता था, अगर साइकिल मिल जाती थी तब तो लगता था कि बहुत बड़ी गाड़ी मिल गई है आज, और मोटरसाइकिल मिल जाती थी तो ये लगता था कि हेलीकॉप्टर मिल गया। संघर्ष का दौर था, सही है, संघर्ष का दौर था, कोई भी, लेकिन बेईमानी बहुत कम थी, मैंने देखा है, उस जमाने के राजनीतिक लोग भी देखे हैं। शिवपाल यादव यही नहीं रुके, उन्होंने बहुत कुछ बोला और समाजवादी पार्टी में लौटने को लेकर कि उन्होंने सारे कयासों को मिटाते हुए देखे गए हैं। जनता की सेवा के लिए मिलता है, सेवा करेंगे, और मैंने सेवा की भी है राजनीति के द्वारा, आपने देखा था दोनों पास, हमारे पास बड़े विभाग थे, बताइए मुझ पर कोई आरोप लगा हो तो बताओ, कितना मुझे बदनाम किया गया था पुलिस भर्ती में, हमारे पास विभाग भी नहीं था, नेताजी के पास, बताओ, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कहीं पर भी मेरे द्वारा कहीं पर भी पैसा लिया गया नहीं, कौन लोग थे,
वही चापलूस थे, चापलूस थे, ठग थे, जिनको मंत्री नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों को मंत्री नहीं होना चाहिए। और जनता से मैं अपील करेंगे, ऐसे लोगों को फिर कुछ भी नहीं होना चाहिए, सम्मान उन लोगों को नहीं मिलना चाहिए। देखिए, इसलिए मैंने आज इस अवसर पर, जहां पर सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, दोनों हैं, दोनों की मूल भावना है सेवा भाव, सेवा भाव के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन करना। तो हम लोगों ने इसलिए अब निर्णय ले लिया है समाजवादी सेकुलर मोर्चा के माध्यम से सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन, और सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ अब धर्मयुग तो है ही, अब जहां श्री कृष्ण महाराज जी से जहां जुड़ जाता है, धर्मयुग हुआ था, महाभारत हुआ था, तो फिर जीत तो फिर धर्म की होगी। होना चाहिए, राजनीति का भी वही है, धर्म और राजनीति तो एक है, सेवा भाव है। तो दोस्तों, मैं इतने इस अवसर पर आपसे कहना चाहता हूं, ये लड़ाई है सामाजिक परिवर्तन की, न्याय, न्याय दिलाने की। कोई भी वर्ग हो, कोई भी वर्ग, मैंने तभी कहा है, हमारे साथ तो मैंने तभी कहा कि लोगों ने पूछा इसका उद्देश्य क्या है सेकुलर मोर्चा का, तो मैंने कहा जितने लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा, अपमानित तो हो रहे, अपमानित के साथ साथ गरीबी में भी बहुत लोग पिस रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मैंने तो देखा है, तब भी पढ़ाई लिखाई के लिए, शादी के लिए, कपड़ों के लिए, यहाँ तक कि जूतों के लिए, परिवार के लिए परेशान रहते हैं। कहाँ ये है सामाजिक न्याय? आजादी के बाद 70 सालों के बाद भरपेट भोजन भी नहीं, तो यही तो है। तो इतना मैं कहना चाहता हूं इस अवसर पर, यह है जब हम लोग निकलेंगे, बिना ये तो ऐसे ही कार्यक्रम हो रहा है, बिना ज्यादा सूचना भी नहीं, और अभी तो मुझे बनाना है समाजवादी सेकुलर मोर्चा का बहुत जल्दी संगठन बनाना है। अभी तो मुझे राष्ट्रीय संगठन बनाना है, प्रदेश का संगठन बनाना है, 75 जिलों का संगठन बनाना है, 75 जिलाध्यक्ष भी बनाना है, मंडल पर एक एक प्रभारी भी बनाना है, सब कुछ बनाना है। और फिर जब इतना बना देंगे तब फिर क्या हाल होगा? फिर कमाल साहब बुलाई रहे हैं, चलो पूरब की ओर, हम तो पश्चिम में भी हो आए, नेपाल भी हुआ है, अब पूरब में भी गए हैं, लेकिन सेकुलर मोर्चा की तरफ से अब आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, निकलेंगे, अब निकलेंगे, और आपको इतना आश्वासन देना चाहते हैं, सामाजिक परिवर्तन लाएंगे। और मैं इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं इस उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलनी है, और उत्तर प्रदेश के जो शोषित हैं, गरीब हैं, किसान हैं,
मजदूर हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, इनकी तकदीर भी बदलना है, तकदीर भी बदलना है, प्रदेश की तस्वीर भी बदलना है। किसी के साथ तो इसलिए इतने ही मैं कहना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं, अब तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। मैंने सोच समझ के ये कदम बढ़ाया है, बहुत इंतजार करने के बाद अब ये कदम पीछे नहीं हटेगा, इतना मार्शल। इसलिए आप सब लोगों से हमारी अपील है, मैंने हमेशा सबकी बात मानी। और उसी के साथ ही शिवपाल यादव ने जिस तरीके से अपने चीज़ों को संभालते हुए और भाषण दिया, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक सबक था। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।